हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें मैट्रिक्स को हम कंटिन्यू करते हैं। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती ना, तो यकीन मानोगे आपको मैट्रिक्स में कुछ नहीं आता। मैट्रिक्स एडिशन बड़ा आसान है, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन बड़ा आसान है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा टेढ़ा काम है। ठीक है, टेढ़ा काम इतना भी नहीं है कि आप कर ना पाओ। एक बार कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है उसको समझने की ज़रूरत है। जब एक बार आप उसको अच्छी तरह समझ जाओगे तो फिर आप कहोगे सर ये भी बड़ा आसान काम था। हाँ, लेकिन अगर हम पूरी मैट्रिक्स में बात करें तो सबसे, आप ये कह सकते हो कि सबसे मुश्किल काम यही है कि आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखें तो सबसे पहला काम तो हमें ये देखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती है। सबसे पहला काम तो यही है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगी? लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज डिफाइंड इफ ए इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। यानी जो पहले वाली मैट्रिक्स है ना आपकी, उसके नंबर ऑफ कॉलम और जो दूसरे वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो अगर सेम होंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप उसको मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला काम तो आपको यही देखना है कि ये मैट्रिक्स आपके पास ए है, इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम एन है, इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ रो एन है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका क्वेश्चन वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी आप ऑर्डर बिना मल्टीप्लिकेशन फाइंड करे पता लगा सकते हो। अगर हम पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो देखें तो यहाँ पर एम है, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम पी है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसको हमने यहाँ पर डिनोट कर लिया सी से। तो सी का ऑर्डर क्या होगा? सी का ऑर्डर होगा एम बाय पी, यानी पहले वाली मैट्रिक्स का रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम। तो यहाँ पर दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब होगी? जब पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाली का रो सेम होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? पहले वाली के रो और दूसरे वाले के कॉलम जो भी होंगे वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर आएगा। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बिना मल्टीप्लिकेशन करे ही पता चल जाता है कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो उसका ऑर्डर क्या आएगा। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके उससे बड़े आराम से बन सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर इसके समझ लेते हैं। इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ एम बाई एन एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ एन बाई पी, पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, दूसरे वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, तो जो ए बी आएगी उसका ऑर्डर जैसा भी हमने डिस्कस किया, यहाँ से एम लेंगे और यहाँ से पी लेंगे तो ऑर्डर बनेगा हमारा एम बाय पी। सेकेंड जो पॉइंट है उसमें कहता है इफ़ ए बी इज़ डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर ए बी हो सकता है, ठीक है, अगर ए बी पॉसिबल है, ए बी इज़ डिफाइंड मतलब ए बी आप निकाल सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए बी निकाल लो। या एलजेब्रा नहीं कर रहे हम, या मैट्रिक्स एलजेब्रा कर रहे हम। एलजेब्रा के अंदर क्या होता है, अगर आप 2 × 3 करोगे या 3 × 2 करोगे तो बराबर भी आएगा और पॉसिबल भी है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब आप a इंटू बी करोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि b इंटू ए आ जाए, और अगर b इंटू ए आ भी जाएगा तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर आए। इफ a एंड b आर ऑफ सेम ऑर्डर देन a b एंड b a बोथ आर डिफाइंड। जैसे अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई a और b अगर दोनों सेम ऑर्डर के होंगे, मान लो ए बी हमारा 2/2 है, बी भी 2/2 है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई आप ए बी में भी कर सकते हो और बी ए भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर आए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में कहता है इन ए बी, अगर हम ए बी लिख रहे हैं मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो ए को हम बोलेंगे प्री मल्टीप्लायर और बी को हम बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लायर। तो कहीं पर आप ये वर्ड आते हैं तो ये आपको मतलब पता हो कि प्री मल्टीप्लायर जो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, पोस्ट मल्टीप्लायर जो बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ इसकी चीज़ें थी। अब जहाँ प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आएंगी। अभी सबसे पहला, जैसे मैंने अभी भी बताया आपको कि जब आप ए बी निकालोगे और बी ए निकालोगे तो ये बराबर नहीं आता है,
कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं, बस वहाँ ये बराबर आएगा, अदरवाइज बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। अभी मल्टीप्लाई करके भी हम देखेंगे क्या ऐसा पॉसिबिलिटी होती है नहीं होती, कुछ बहुत सारे एग्जांपल आपको मैं कराऊंगा, 18-20 एग्जांपल कराऊंगा, उससे आपको सब कुछ सारी प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टीज़ में कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि भाई ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया और ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ऐसे दो अलग अलग मैट्रिक्स आ जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है कि एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब अगर आप बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करो, या आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी को मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट बराबर आएगा, लेकिन ऑर्डर ध्यान रखना है, पहले ए होना चाहिए फिर बी फिर सी, ऑर्डर यही रहेगा। अगर आप ऐसे लिखोगे बी सी इंटू ए तो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, पहला ऑर्डर यहाँ पर अगर ए बी सी है तो यहाँ भी ए बी सी होना चाहिए, यहाँ बी ए सी है तो यहाँ भी बी ए सी होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या ऐसी कोई मैट्रिक्स पॉसिबल है कि जिसको हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारी मैट्रिक्स में कोई चेंज ही ना आए। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमारी नल मैट्रिक्स, नल में अगर हम किसी को भी ऐड करेंगे तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या मल्टीप्लाई में भी ऐसा होता है? तो मल्टीप्लाई में भी डेफिनेटली ऐसा होगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स को आई से, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी जो मैट्रिक्स थी वो वैसे की वैसे ही रहेगी जैसे मैट्रिक्स हमारी पहले थी। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ नल मैट्रिक्स विद एनी अदर मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। अगर नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अगर सारे ही एलिमेंट जीरो हैं, सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं, तो उसको आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका नल मैट्रिक्स ही आएगा। पावर ऑफ मैट्रिक्स, पावर ऑफ मैट्रिक्स मतलब जैसे हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए की पावर 10 निकालनी पड़ेगी, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो हम ए स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आप जितने ए के एलिमेंट आएंगे उनका स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमें ए को ए से मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या आएगा। ऐसे अगर आप ए क्यूब करेंगे तो ए क्यूब को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर ए इंटू ए स्क्वायर, दोनों में से कैसे भी आप लिख दो ए क्यूब आ जाएगा। यानी अगर इन जनरल अगर हम बात करें, अगर हम ए की पावर एम निकालना चाह रहे हैं तो ए की पावर एम माइनस वन को आप ए से मल्टीप्लाई कर दो, या आप ए को ए की पावर एम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में से कोई भी काम करोगे तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा। उसके बाद आता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। आपको कोई एलजेब्रिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, आपको कन्वर्ट करना होगा उसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में। तो सिंपल बस क्या करना है, जहाँ जहाँ वेरिएबल यूज़ होगा, जैसे यहाँ पर एक्स है, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल यूज़ होगा वहाँ पर आपको उस मैट्रिक्स को यूज़ कर लेना है। जो भी मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा उसको आपको यूज़ करना है। जैसे अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर यहाँ पर आ रहा है ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका बनेगा, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर बनेगा हमारा स्मॉल ए इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, यानी जहाँ पर x होगा उस x को रिप्लेस करना है हमें मैट्रिक्स से। थोड़ा सा इसको सही करके लिख देते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपके पास a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर बी एक्स है तो x की जगह पर a आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट है। अब मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में आप कन्वर्ट करोगे तो सारी की सारी टर्म मैट्रिक्स में होनी चाहिए, ये भी मैट्रिक्स में होना चाहिए, ये भी मैट्रिक्स में होना चाहिए, ये भी मैट्रिक्स में होना चाहिए। अगर आप खाली सी लिख देते हो तो वो बन जाता है स्केलर, तो उसको आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको आई से मल्टीप्लाई करके। यानी जो भी आपके पास यहाँ पर पॉलिनोमियल होगा, अगर कहीं कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो उस कॉन्स्टेंट को आपको हमेशा आई से मल्टीप्लाई करना है, ताकि वो एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो सके। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी हमारी मल्टीप्लिकेशन की, बेसिक्स हमने समझा। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे सर एग्जांपल जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक इतना कुछ क्लियर नहीं होगा, डेफिनेटली क्लियर नहीं होगा। अभी हम बहुत सारे, एक नहीं दो चार नहीं, कम से कम 10-15-20 एग्जांपल आपको कराने वाला हूँ, जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल फर्स्ट पर हम।
तो बच्चों देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ये जो सारे एग्जांपल मैंने लिए गए हैं, ये नोडिया प्रेस की जो बुक है, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड करी थी नोडिया प्रेस की बुक के बारे में, तो एग्जांपल्स ये उसी में से। अगर आपके पास वो बुक है तो आप उसमें से भी देख सकते हैं, और आपके पास बुक नहीं भी है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन मैंने लिख दिए यहाँ पर, क्वेश्चन आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कंप्यूट ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट। आपको ए बी और बी ए की वैल्यू फाइंड करनी है जो एग्जिस्ट करता हो। अब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इनका ऑर्डर चेक करना है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें देखिए, फर्स्ट पार्ट में अगर हम ए की ऑर्डर की बात करूँगा तो ए का ऑर्डर क्या है, 2/3, दो रो हैं और तीन कॉलम हैं। अगर हम बी की बात करें तो बी में दो रो हैं और दो कॉलम हैं। तो जब मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में क्या हमने डिस्कस किया कि भाई जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसके कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स के रो ये सेम होंगे तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जो ए बी है वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होगी तो आप खामखा सीधा मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे और आंसर उसका निकलना ही नहीं है, वो आंसर निकलेगा नहीं, आप खामखा परेशान होंगे। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता हो। अब हम देखते हैं कि क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो बी ए यानी बी हमारे पास आ गया, बी का ऑर्डर है 2/2, ए का ऑर्डर है आपके पास 2/3। तो यहाँ पर देखो, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इसका मतलब बी ए एग्जिस्ट करेगा। अब बी ए एग्जिस्ट करेगा तो कह रहा है कि अब जो एग्जिस्ट करेगा उसको आपको निकालना भी है। तो पहले आप बी मैट्रिक्स यहाँ पर लिए, तो पहले हमें बी मैट्रिक्स ही रखनी पड़ेगी यहाँ पर। यहाँ बी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 1-2, 2 एंड 3, और ए मैट्रिक्स है 1-2, 3, 2, 3, 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। अब मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस है ना, बड़े ध्यान से समझना। एक बार समझ में आ गया, दिमाग में एक बार बैठ गया, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप डायरेक्टली भी करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो मैट्रिक्स हमने पहले लिखी है उसमें से आपको हमेशा रो ऑपरेट करनी है। जो पहली मैट्रिक्स होगी उसमें से हमेशा आपको रो ऑपरेट करनी है, और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसमें से आपको हमेशा कॉलम्स लेने हैं। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पहली रो हमारे पास है 1-2, पहली रो हमारे पास क्या है 1-2, इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, बारी बारी से, पहले इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दो एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी आपके पास दो दो एलिमेंट आएंगे। तो जब हम इस रो को, पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इनको सॉल्व करके एक एलिमेंट बनेगा, दो एलिमेंट नहीं बनेंगे, एक एलिमेंट बनेगा। कहाँ का एलिमेंट बनेगा, हमने फर्स्ट रो ली है, फर्स्ट कॉलम लिया है, तो हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा। कैसे बना, 1 into 1, 1 into 1, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा हमेशा, -2 into 2, -2 into 2, इस तरह से आपका ये पहला एलिमेंट तैयार होगा। बीच में हमेशा प्लस साइन ही लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो कंप्लीट, ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होगी, और सॉरी फर्स्ट कॉलम। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले कॉलम पे, रो अभी हमारी यही रहेगी, जब तक तीनों कॉलम कंप्लीट नहीं होते हैं रो हमारी वही रहेगी। तो यहाँ पर 1-2 को मल्टीप्लाई करना है 2-3 से। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 1 into 2, -2 into 3, 1 into 2, -2 into 3, ये आ गया। उसके बाद फिर हम एक एलिमेंट और बनाते हैं, ये एलिमेंट हमारा कहाँ का बना, ये बना हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी a13। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 3, प्लस -2 into 1, तो इस तरह से हमने एक एक करके पहले पहली रो को पहले कॉलम से करा, ये एलिमेंट बना, सेकंड कॉलम से करा, ये एलिमेंट बना, थर्ड कॉलम से करा, ये एलिमेंट बना, इस तरह से आपको पहली रो को कंप्लीट करना है, बीच में मत छोड़ देना, पहली रो हमेशा पूरी कंप्लीट करनी है। अब हम सेकंड रो पे चलेंगे, तो सेकंड रो में भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 2 into 1,
प्लस 3 इंटू में 2। अब सेकंड कॉलम पे चलते हैं, 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 3। ध्यान से समझना, ये स्टेप हमें आगे स्किप करने हैं, हमें डायरेक्टली करना सीखना है, तो इसलिए कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 इंटू 1। तो ये सारा हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से देखो 1 माइनस 4 माइनस 3 आ गया, इधर से 2 माइनस 6 माइनस 4 आ गया, इधर से 3 माइनस 2 1 आ गया, इधर से 2 प्लस में 6 8, 4 प्लस में 9 13, और इधर से 6 प्लस में 3 9। तो हमारा आंसर बनना चाहिए माइनस 3 माइनस 4 और प्लस 1 18 13 8 13 एंड 9। अब यही चीज़ हमें सेकंड पार्ट में देखनी है। तो सेकंड पार्ट में आप देखो, पहले तो देखो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ए का ऑर्डर हमारे पास है 2/3 और बी का ऑर्डर यहाँ पर 3/2। तो ये दोनों सेम आ गए, यानी ए भी एग्जिस्ट करेगा। अब ए भी एग्जिस्ट करेगा तो फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले ए भी निकालते हैं। तो ए भी का मतलब हो गया कि ई प्री मल्टीप्लाई है, यानी ई ए पहले रखना है हमें 4 5 6 0 1 2, और यहाँ से 1 1 1 2 0 2। तो जो आपको यहाँ पर बताया मैंने, सेम वही प्रोसेस आपको यूज़ करना है। अब फर्स्ट रो के अंदर 3 एलिमेंट है, कॉलम 1 में भी 3 एलिमेंट है। अब थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, हम सीधा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 इंटू 1, 4 आ गया, फिर बीच में प्लस 5 इंटू 1, 5 आ गया, फिर प्लस 6 इंटू 1, 6 आ गया। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को सेकेंड कॉलम से करो, 4 2 8 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 2। पहली रो को पहले कॉलम से भी कर दिया, सेकंड कॉलम से भी कर दिया, पहले कॉलम से करके ये आ गया, सेकंड कॉलम से करके ये आ गया। अब हम दूसरी रो पे चलते हैं, 0 इंटू 1 1 इंटू 1 2 इंटू 1। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। आंसर क्या आया आपके पास, देखो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, इधर से 8 प्लस 12 20, इधर से आ गया हमारे पास 3, इधर से आ गया 4। तो 15 20 3 4, ये हमारा आंसर बना। अब चेक करो कि क्या बी ए भी एग्जिस्ट करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ए भी एग्जिस्ट करेगी तो बी ए नहीं करेगी, उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो बी ए को देखो, बी का ऑर्डर क्या है आपके पास 3/2, ए का ऑर्डर क्या है 2/3। तो यहाँ पर ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब ये एग्जिस्ट करेगा तो फिर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम। देखिए अब बी की वैल्यू रखते हैं, बी हमारे पास है 1 2 1 0 1 2, ए हमारे पास है 4 5 6 0 1 2। करिए इसे मल्टीप्लाई, देखो 1 इंटू 4 4 आ गया, 2 इंटू 0 0 आ गया, एक एलिमेंट आ गया, फिर 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 1 2, फिर नेक्स्ट 1 इंटू 6 6 प्लस 2 इंटू 2 4। अब हमारे पास, अब फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड रो पे आ जाओ, 1 इंटू 4 0 इंटू 0, 1 इंटू 5 0 इंटू 1, 1 इंटू 6 0 इंटू 2, 1 इंटू 4
टू इंटू ज़ीरो, वन इंटू फाइव, टू इंटू वन, वन इंटू सिक्स, टू टू जो फोर। आंसर बना हमारे पास फोर प्लस फोर सेवन टेन, फोर फाइव एट, फोर सेवन टेन। यहाँ पर सिक्स आ रहा है आंसर में, सिक्स क्यों आ रहा है, हमने ये मल्टीप्लाई करा इससे तो ज़ीरो इंटू टू, यहाँ पर ज़ीरो आएगा तो यहाँ पर आएगा सिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते समय ध्यान रखना गलती ना हो, कोशिश ये करनी है हमेशा। अब देखो हम ये देखते हैं कि ए बी और बी ए थर्ड पार्ट में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है, थोड़ा ऊपर चला गया, उसको नीचे लाते हैं। हाँ जी, तो थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, इसमें कहता है कि जो ए है उसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, ए का ऑर्डर देखो है वन बाय थ्री और बी का ऑर्डर है हमारे पास थ्री बाय वन, तो सेम है दोनों, यानी एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए बी अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर फाइंड करते हैं, पहले ए को पुट करते हैं वन माइनस वन माइनस टू, फिर बी को रखते हैं, बी आ गया टू फोर ज़ीरो। अब आंसर क्या आएगा देखो, अब यहाँ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो एक ही रो है एक ही कॉलम है तो एक ही एलिमेंट बना बस, और तो बनने का कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ ऑर्डर से भी हमें समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ पर वन है और यहाँ पर भी वन है, तो आपके पास एक ही एलिमेंट बनेगा बस। तो एक एलिमेंट कैसे बनेगा, यहाँ वन इंटू टू टू आ गया, माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर हो गया, माइनस टू इंटू में ज़ीरो ज़ीरो हो गया, आंसर आ गया आपका माइनस टू। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आना है, वो एलिमेंट आ गया हमारे पास माइनस टू। अब बी ए को चेक करते हैं, बी का ऑर्डर है थ्री बाय वन, ए का ऑर्डर है वन बाय थ्री, तो यहाँ पर ये दोनों सेम आ गए, मतलब बी ए एग्जिस्ट करेगा। अब पहले आप बी को लिखेंगे टू फोर ज़ीरो, उसके बाद ए को लिखेंगे वन माइनस वन, वन माइनस वन माइनस टू। अब यहाँ पर टू इंटू में वन, अब यहाँ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो हमें और कुछ यहाँ पर करना ही नहीं है, कुछ प्लस माइनस यहाँ होगा ही नहीं, यहाँ हो जाएगा टू इंटू वन सिर्फ वन, और टू इंटू वन मतलब टू, एक एलिमेंट आएगा क्योंकि एक रो है और एक ही कॉलम है, यहाँ भी एक एलिमेंट है यहाँ भी एक एलिमेंट है, तो कुछ प्लस माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर टू इंटू माइनस टू ये हो गया, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, फोर इंटू वन फोर, फोर इंटू माइनस वन, फोर टू जो एट, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, क्योंकि जब आप इस ज़ीरो को करोगे बारी बारी इन सब से, तो आंसर आपका आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, टू माइनस टू माइनस फोर, फोर माइनस फोर माइनस एट। तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, और आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे, कोई भी डाउट रहे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर टू हमारे पास है। यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, ये दो मैट्रिक्स को पहले हमें ऐड कर लेना है, ऐड करके जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करना है। तो एडिशन तो हमारे लिए बहुत सिंपल था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है, थ्री प्लस वन फोर, थ्री प्लस टू फाइव, वन प्लस वन टू, और फोर प्लस वन फाइव। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इससे, वन थ्री फाइव टू फोर सिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन आप लोग सीख चुके होंगे, अब एक बार आप ये करेंगे कि वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके अपने आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, और अगर कुछ फिर समझ में ना आए या फिर आप करने के बाद चेक करना चाहो तो वीडियो को जब स्टार्ट करो फिर उसके बाद चेक करना कि क्या आपका मल्टीप्लिकेशन ठीक आया नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मल्टीप्लाई अच्छे तरीके से सीख लेना। तो वीडियो को फटाफट पॉज करो, निकाल के देखो क्या आता है। अब चेक करो अपना आंसर कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि भाई इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो 4 इंटू वन फोर आ गया, यहाँ नीचे लिख लेते हैं थोड़ा,
फोर इंटू वन फोर आ गया, फाइव इंटू में टू टेन आ गया। अब सेकेंड रो पे चल सेकेंड कॉलम पे चलते हैं, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी, अब फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, फाइव इंटू सिक्स थर्टी। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, अब सेकेंड रो पे चलो, टू इंटू वन टू प्लस फाइव इंटू टू टेन, टू इंटू थ्री सिक्स, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी, टू इंटू फाइव टेन प्लस फाइव इंटू सिक्स थर्टी। अब आपका आंसर क्या बनेगा, फोर प्लस टेन फोर्टीन, इधर फोर्टीन आ गया, इधर ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व थर्टी टू, इधर ट्वेंटी प्लस थर्टी फिफ्टी, टू प्लस टेन ट्वेल्व, ट्वेंटी सिक्स और फोर्टी। ये हमारी एक मैट्रिक्स आ गई, फोर्टीन थर्टी टू फिफ्टी एंड ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स और फोर्टी। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर बाद वाले जो ये है इसको आपको माइनस करके लिखना है, पहले वाली मैट्रिक्स आपको ऐसे ही करनी है। तो हमने पहले वाली मैट्रिक्स को ऐसे लिख दिया, वन माइनस वन जीरो टू, टू थ्री इन टू में, इन दोनों को माइनस करके लिखो, वन माइनस ज़ीरो वन हो गया, ज़ीरो माइनस वन माइनस वन, टू माइनस टू ज़ीरो, फोर माइनस थ्री वन, ज़ीरो माइनस ज़ीरो वन, माइनस टू माइनस वन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे और बढ़ते हैं, अब मल्टीप्लाई तो हम करेंगे लेकिन जो हम ये एडिशन करके लिख रहे थे ये ना लिख के हम सीधा वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करके एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली करने लगोगे, क्योंकि ये स्टेप्स आपको स्किप करने, क्वेश्चंस काफ़ी लंबे होते जाएंगे आगे, तो ये स्टेप अगर छोटे छोटे भी करते रहेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अब देखो इस रो को इस कॉलम से करना है, फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके इसको आप डायरेक्टली करके देखो, फिर नहीं आता तो फिर मेरे साथ मैच करना। वन इंटू वन वन आ गया, माइनस वन इंटू वन माइनस वन आ गया, तो एक वन आ रहा है एक माइनस वन आ रहा है, मतलब जीरो आ गया। यहाँ से वन इंटू माइनस वन माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, यानी माइनस वन बचा। यहाँ से वन इंटू जीरो जीरो हो गया, माइनस वन हो गया प्लस वन। अब सेकेंड रो को लेके चलते हैं, सेकेंड रो में पहला वाला एलिमेंट जीरो है तो उसको तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीरो को वन से करोगे जीरो हो जाएगा, टू वन जै टू, फिर यहाँ से जीरो बनेगा, यहाँ से ये जीरो बन जाएगा, इधर से ये जीरो हो गया, टू को माइनस वन से करेंगे तो माइनस टू आ गया। अब थर्ड रो पे चलते हैं, टू इंटू वन टू आ गया, थ्री इंटू वन थ्री आ गया, तो टू प्लस थ्री फाइव हो गया, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, थ्री इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फिर टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री हो गया। तो ये आपका आंसर बन गया, चेक कर लो आपका आंसर ठीक है या नहीं है। सेकेंड पार्ट में हमारा आंसर जीरो माइनस वन वन टू, जीरो माइनस टू फाइव, माइनस टू माइनस थ्री। अब आप अपने आंसर को भी चेक कर लो, आपके आंसर में अगर गड़बड़ है तो उसको ठीक करो एक बार दोबारा करके। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको ऐड करना है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये एक रो है और एक ही कॉलम है तो एक ही एलिमेंट बनेगा, क्या बनेगा, ए इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर, बी इंटू बी करेंगे बी स्क्वायर, सी इंटू सी सी स्क्वायर, डी इंटू डी डी स्क्वायर, ये एलिमेंट आ गया। यहाँ पर भी एक रो है एक ही कॉलम है, यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट बनेगा, क्या बनेगा, ए इंटू सी बी इंटू डी। अब यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ भी एक एलिमेंट है, दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं ऑर्डर, क्योंकि सेम आ रहा है, तो ऐड करके आपके पास क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए सी और बी डी। अब इसमें से कोई भी लाइक टर्म तो है नहीं, तो आपका आंसर यही का यही आ जाएगा। तो फोर्थ पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर पहले जो दो मैट्रिक्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, जो इनका आंसर आएगा उसको थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक रो है और तीन कॉलम है, तो यानी आपके पास यहाँ भी तीन कॉलम आएंगे और एक रो आएगी। तो पहले हम इस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन आ गया,
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया, यानी 1 प्लस 4 5 हो गया अब तक, और 3 इंटू 0 0 हो गया, यानी आ गया हमारे पास 5। फिर सेम प्रोसेस अगले वाले कॉलम के लिए करो, देखो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर 1 इंटू 2 2 आ गया, 2 इंटू 1 फिर 2 आ गया, यानी 2 प्लस 2 4 हो चुका है अब तक हमारे पास, और 3 इंटू 2 6, तो 4 प्लस 6 आ गया 10। और उसके बाद ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2, 1, -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब देखो यहाँ से एक रो है एक कॉलम है, तो एक ही एलिमेंट बनेगा, 5 2 10, 3 इंटू में 1 और 10 इंटू में -3, 13 -30 आ जाएगा आपके पास, एक ही एलिमेंट बनेगा -17। तो इस तरह से आप कोशिश ये करनी है कि आपको डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई करना है, आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ b इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट b-3i एंड b-2i इक्वल्स टू o, o मतलब नल मैट्रिक्स। तो पहले तो आप निकाल लो b-3i, अब b तो हमारे पास ये है ही, 3i हमारे पास क्या बनेगा, 3 को i से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b-3i इंटू में b-2i। तो पहले तो हम ये फाइंड करते हैं, तो b मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गई 4, 2, -1, 1, इसमें से हमें माइनस करना है 3i को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी 2x2, क्योंकि जो दूसरी मैट्रिक्स है क्वेश्चन के अंदर वो 2x2 ही यूज़ हो रही है। तो 3i निकालने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये बन गया 3, 0, 0, 3। ये जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इस मैट्रिक्स से। तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो बी 4, 2, -1, 1, इसमें से हमें माइनस करना है 2i, यानी 2, 0, 0, 2। अब यहाँ पर माइनस करके आप देखो क्या बन रहा है, 4, -3, 1 आ गया, 2, -0, 2 आ गया, -1, -0, 1, -3, -2। उधर से करते हैं, 4, -2, 2 हो गया, 2, -0, 2 आ गया, -1, -0, 1, -2, -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये नल मैट्रिक्स हमारी बननी चाहिए, ऐसा हमें क्योंकि प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो 1 इंटू 2, 2 आ गया, यहाँ से 2 इंटू -1, -2 आ गया, तो यानी 0 बन गया। इधर से 1 इंटू 2, +2 हो गया, 2 इंटू -1, -2 हो गया, तो ये भी 0 आ गया। -1 इंटू 2, -2, -2 इंटू -1, +2, तो -2, +2 मिलकर क्या बन गए, 0। इधर से करेंगे -2, इधर से करेंगे +2, ये भी बन गया 0, यानी ये बन गई एक नल मैट्रिक्स। ठीक है, -2, +2, -1, +1 ऐसे हो रहा है, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, पहले एक एक स्टेप करके प्रैक्टिस करना, जैसे हमने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया था, फिर वाला स्टेप स्किप करके फिर दूसरा स्टेप करना, फिर वो अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए, फिर इस तरह से आप डायरेक्टली करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन डेफिनेटली नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए कहता है ये है, बी ये है, आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर यूज़ हो रहा है, तो आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। पहले तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए हमारे पास ये आ रहा है, अब इसको हम इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो क्या बना, 1 इंटू 1, 1, 4 इंटू 3, 12, तो 1 प्लस 12। 1 इंटू 4, 4 हो गया, 4 इंटू 2, 8 हो गया, 4 प्लस 8, 12। 3 इंटू 1, 3, 2 इंटू 3, 6, 6 प्लस 3, 9, यहाँ से आ गया 12, यहाँ से आ गया 4, तो 12 प्लस 4, 16, ये तो बन गया आपके पास ए स्क्वायर। अब जो हमें आप फाइंड करना है उसको वैल्यू आप लिखो, 3a² - 5b + 7i। ए स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो, 13 3 जा 39, 12 3 जा 36, 3 9 जा 27, 16 3 जा 48, -5b, बी को 5 से मल्टीप्लाई करो, 0, 5 1 जा 5, -5, 5 2 जा 10। फिर आगे कह रहा है +7i, तो 7i में हम प्लस करेंगे,
तो आई को आई वही रहेगी क्योंकि यहाँ भी 2/2 है, ये भी 2/2, ये भी 2/2, तो आई भी 2/2 रहेगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 7007। अब इन सबको आप सॉल्व करो, देखो 39 माइनस 0 प्लस 7 यानी बन गया 46, 36 माइनस 5 31, 27 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 32, 48 माइनस 10 38 हो गया, 38 प्लस 7 45। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 46, 31, 32 एंड 45। तो जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, एग्जांपल फिफ्थ हमारे पास, इसमें एक ही मैट्रिक्स दी हुई है और आपको इससे यहाँ पर ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए यहाँ पर बोलता है पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो जी पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको इस ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तक आई थिंक मल्टीप्लाई में आप कंफर्टेबल हो चुके होंगे, तो इसको फटाफट मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है और फिर अपने आंसर के साथ मैच करो। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 आ गया और यहाँ से करेंगे 4 आ गया, यानी 144, तो टोटल हो गया आपके पास 9। फिर अगली रो को करेंगे, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 4, यानी 224, तो टोटल आ गया आपके पास 8। यहाँ से करेंगे, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ से करेंगे 4 यानी 6, 6 प्लस 2 यहाँ भी आ गया 8। अब ऐसे ही आप सेकंड रो को करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2, ये बनेगा 2, 4, 4 प्लस में 4 ये बनेगा 8। इधर से करेंगे हमारे पास आएगा 4 प्लस 1 5, 5 प्लस में 4 9, तो ऐसे कुछ पैटर्न सा यहाँ बन रहा है, तो आई थिंक ये इस तरीके से आएगा। आप एक बार मल्टीप्लाई करके फिर भी चेक कर लेंगे, तो ये हमारा एक पैटर्न सेट बन रहा है, तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है। अब उसके बाद आपको चाहिएगा माइनस 4a और माइनस 5y, तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर आप पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y। तो ए स्क्वायर तो आपने निकाल ही लिया है, और माइनस 4a निकालने का मतलब है कि a को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4 8 8 4 टू जा 8 4 8 8 8 4। उसके बाद क्या चाहिए हमें, माइनस 5y। अब i यहाँ पर क्या लेना है आपको, क्योंकि ये 3/3 मैट्रिक्स है, तो i भी हमारे पास यहाँ 3/3 में ही होना चाहिए, तो i आप लोगे ये जैसा यहाँ पर क्वेश्चन है वैसा ही आपके पास आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी जैसा देश वैसा भेष। अगर मैट्रिक्स के अंदर 2/2 यूज़ हो रहा है तो आइडेंटिटी 2/2 की बनेगी, और अगर मैट्रिक्स अगर इक्वेशन में 3/3 यूज़ हो रहा है तो आइडेंटिटी भी 3/3 वाली बनेगी। तो अब इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब देखिए आपका आंसर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 9 माइनस 4 5 हो गया, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 8 ये भी 0 हो जाएगा, अगला भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप बाकी सारे करोगे ना, तो सारे के सारे आपके 0 हो जाएंगे, यानी ये आंसर आपका नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये प्रूव कर देंगे कि ये वाली इक्वेशन नल मैट्रिक्स के बराबर है। एग्जांपल 6 में ए दिया हुआ है आपको, ये प्रूव करना है, ये भी नल मैट्रिक्स के बराबर ही प्रूव करना है। तो यहाँ पर लेकिन आपको ए स्क्वायर चाहिएगा और ए क्यूब चाहिएगा, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर निकालने के लिए इसको हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया आपके पास 4 प्लस में 3 7, इधर से करेंगे 6 प्लस में 6 12, इधर से आ गया 2 प्लस में 2 4, इधर से आ गया 3 प्लस में 4 7। ए क्यूब निकालते हैं, ए क्यूब के लिए आप ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करो, यानी 7 12 4 7 को आप मल्टीप्लाई करो ए से, ए मतलब 2 3 1 2 से। तो यहाँ से क्या आएगा, 7 टू जा 14 प्लस में 12 26, 21 प्लस में 24 45, इधर से आ गया 8 प्लस 7 15, इधर से आएगा 12 प्लस में 14 तो 26। तो ए स्क्वायर भी आ गया, ए क्यूब भी आ गया हमारे पास, और ए तो ऑलरेडी था ही क्वेश्चन के अंदर ही, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस में ए,
ए क्यूब आप ऐसे कैसे पुट कर दो, माइनस फोर ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर हमारे पास आया इसको फोर से मल्टीप्लाई करके करो, तो ये हो गया फोर सेवन जा 28, 12 फोर जा 48, 4 फोर जा 16, 4 सेवन जा 28 और प्लस में ए, तो ए मैट्रिक्स में आपके पास क्या था 2 3 1 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 26 प्लस में ये हो गया और 2 ये हो गया 28 और ये हो गया माइनस 28, यानी ये आ गया 0। इधर से आया 45 प्लस में 3 48 और ये माइनस 48, ये भी आ गया 0। 15 प्लस 1 16 माइनस 16, ये भी आ गया 0। 26 प्लस 2 28 माइनस 28, ये भी आ गया 0। तो ये भी आ गया आपके पास नल मैट्रिक्स के बराबर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहना जो जो आपको लेने हैं। यहाँ पर ए दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ भी देखो ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, ए क्यूब की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों आपको निकालने पड़ेंगे। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम, 0 1 0 0 0 1 ए बी सी, 0 1 0 0 0 1 ए बी सी। अब देखो यहाँ से 0 0 0, अगला करते हैं यहाँ पर 0, ये 0, ये भी 0, फिर नेक्स्ट 0, 1 इंटू 1 1 आ गया, 0 इंटू सी सी आ गया, मतलब 1 आ गया। अब नेक्स्ट रो पे चलते हैं, देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 इंटू ए आ गया। इधर से 0 इंटू 1 0 इंटू 0 1 इंटू बी, ये बी आ गया। नेक्स्ट 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से आ गया सी। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से 0, ये भी 0, ये बना ए सी, ए 0 बी सी, यानी ए प्लस बी सी। लास्ट में यहाँ से 0, यहाँ से आया बी और यहाँ से आया सी स्क्वायर, तो ये लास्ट एलिमेंट बनेगा बी प्लस में सी स्क्वायर। तो ये जो 1 सी है ये लास्ट में यहाँ पर है, यहाँ पर 1, यहाँ पर सी, तो ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब हमें बनाना है यहाँ पर ए क्यूब बनाना है। तो ए क्यूब हम बनाएंगे तो उसके लिए आपको ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए स्क्वायर हमारे पास आया 0 0 1 ए बी सी, फिर ए सी, ए प्लस बी सी और लास्ट में आया बी प्लस सी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें ए से, 0 1 0 0 0 1 ए बी सी। अब देखिए पहले वाली रो को करते हैं, तो यहाँ से ये 0, ये भी 0, 1 इंटू ए, ये बन गया ए। अब इधर से करते हैं ये 0, ये भी 0, 1 इंटू बी, ये आ गया बी। इधर से ये 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू सी, ये आ गया हमारे पास सी। अब इस ए बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 0, ये भी 0, ए इंटू सी, ए सी आ गया, ए प्लस में 0 प्लस में बी सी, तो ए प्लस में बी सी। फिर लास्ट में चलते हैं यहाँ पर 0, यहाँ पर बी प्लस में सी स्क्वायर, यानी जो पहले आपके पास रो थर्ड आई थी वो अब आपके पास रो सेकेंड आ गई। अब इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0, ए से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये ए सी बनेगा, ये 0 और बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया आपके पास ए सी, तो यहाँ से आया और बी से जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो बनेगा बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर। अब लास्ट में चलते हैं ए सी इंटू 0, तो 0 हो गया, ए प्लस बी सी को 1 से करेंगे तो ए प्लस बी सी आ गया, फिर बी प्लस सी स्क्वायर को सी से करेंगे तो आएगा बी सी प्लस में सी क्यूब, ये बन गया आपके पास ए क्यूब। अब जो वैल्यूज है ना वो उसके हिसाब से देखो, जो ए क्यूब की वैल्यू है इसके बराबर आनी चाहिए, क्या आ रही है? यहां पर और कुछ हो सकता है सिंप्लीफाई तो कर लो,
यहाँ पर देखो ये ऊपर तो कुछ होगा नहीं, यहाँ ए सी है, यहाँ ए बी ए सी स्क्वायर है, सिर्फ यहाँ पर बी सी बी सी जो मिलकर टू बी सी बनेंगे बस, और तो कुछ होगा नहीं। अब जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि क्या वो वैल्यू इसके बराबर आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो इसका मतलब ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए आई प्लस में बी ए प्लस में सी ए स्क्वायर। ए आई यानी आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी लेंगे 3/3 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ए जीरो 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 ए जीरो 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 ए, ये हो गया। बी को ए से मल्टीप्लाई करो, इसको एक बी से मल्टीप्लाई करो तो जीरो बी जीरो 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 बी, ये आ गया ए बी बी स्क्वायर और ये हो गया बी सी प्लस सी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करो, जीरो जीरो सी ए सी बी सी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए सी प्लस बी सी स्क्वायर बी सी प्लस में सी क्यूब। अब इन तीनों को ऐड करके देखो क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। यहाँ से देखो ए जीरो और जीरो, ये तो ए बन गया, जीरो बी जीरो ये बी बन गया, जीरो जीरो लास्ट में आ गया सी। पहली रो तो मैच करेगी, मतलब ठीक ठाक चल रहे हैं हम। अगली रो देखते हैं अब, जीरो और यहाँ से आ गया ए सी, ए जीरो और बी सी, जीरो बी और सी स्क्वायर। तो सेकंड रो भी बन गई, ए सी आ गया, ए प्लस बी सी आ गया, बी प्लस सी स्क्वायर आ गया, यानी थोड़ा सा और क्लोज आ गया। अब थर्ड रो हमारी सही आ जानी चाहिए, नहीं तो फिर हमें दोबारा करना पड़ जाएगा, कहीं गड़बड़ हो गई होगी। तो देखो अब जीरो ए बी प्लस ए सी स्क्वायर बन गया। अगला एलिमेंट जीरो बी स्क्वायर और ये, यानी बी स्क्वायर प्लस में ए सी प्लस में बी सी स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर ए सी बी सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है बी सी और बी सी टू बी सी और ये ए आ गया प्लस में सी क्यूब, यानी भाई लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। आंसर हमारा प्रूव हो गया कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ए दिया हुआ है आई दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हमारे पास इसके बराबर हो। तो पहले आप इसमें ए स्क्वायर फाइंड कर लो। ए स्क्वायर का मतलब आ गया 2312 को मल्टीप्लाई करना है 2312 से, तो मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस में 3 7, यहाँ से आएगा 6 प्लस में 6 12, इधर से आ गया 2 प्लस में 2 4, इधर से आ गया 3 प्लस में 4 7, ये ए स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है इसके बराबर रखो, ए स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, किसके बराबर होना चाहिए ये ए इंटू में ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करो, 2A 3A A 2A प्लस में बी आई, आई को बी से मल्टीप्लाई करो, बी जीरो जीरो बी। तो आपके पास बन गया 7 12 4 7 इज इक्वल्स टू 2A प्लस बी 3A A और 2A प्लस बी। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 4, अगर आप यहाँ से भी निकालोगे तो भी 4 ही आएगी, दोनों से मैच करनी चाहिए। और यहाँ से देखो 7 इक्वल्स टू 2A प्लस बी है, यहाँ भी 7 इक्वल्स टू 2A प्लस बी है, तो 2A प्लस बी की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं, उसमें से ए हमारे पास आ चुका है 4, तो ये आ जाएगा 8, उधर जाके माइनस कर देंगे आ जाएगा -1। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 और बी की वैल्यू आ जाएगी -1। ए दिया है बी दिया हुआ है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कहता है कि ए स्क्वायर अगर बी के बराबर है, तो ए स्क्वायर मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम और इसको रखना है हमें बी के बराबर, तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस जीरो, इधर से आ गया जीरो ये भी जीरो, यहाँ से ए प्लस वन, इधर से आएगा जीरो प्लस में वन, इसको हम रखते हैं इसके बराबर, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन, और ये तो जीरो आ गया ये वन आ गया, और यहाँ से ए प्लस वन इक्वल्स टू फाइव।
तो यहाँ से तो ए की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस वन, यहाँ से ए की वैल्यू आ रही है फोर, तो दोनों से अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हो गया कि वैल्यू यहाँ पर ए की एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ लिख देंगे देर इज़ नो कॉमन वैल्यू, तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ए डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में करते हैं सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस टू बन गया, और इधर से करेंगे तो जीरो प्लस जीरो, तो ये तो आ गया जीरो, और नल मैट्रिक्स है उधर जीरो जीरो। नल मैट्रिक्स वैसे ले लेनी है जैसी आपकी ये आई है, उसी ऑर्डर में नल मैट्रिक्स ले लेनी है, जैसे क्वेश्चन के अंदर होगी डिमांड वैसे आप यूज़ कर लो। तो x माइनस टू को वन जीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से टू, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 11 में क्या कहता है, यहाँ से भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x जीरो माइनस टू यानी x माइनस टू हो गया, फिर यहाँ से जीरो माइनस टेन जीरो, इधर से करेंगे हम 2x माइनस फाइव माइनस थ्री, तो 2x माइनस फाइव माइनस थ्री मतलब माइनस एट। अब इधर मल्टीप्लाई करो, x माइनस टू को x से करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, माइनस टेन को 4 से करेंगे माइनस फोर्टी, 2x माइनस एट को इससे करेंगे तो 2x माइनस एट। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसमें से ये तो कैंसिल ही हो गया, 48 48 को उधर लेके जाओगे आप और इसका कर देंगे हम स्क्वायर रूट, और 48 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो इसके पेयर बना दो, स्क्वायर रूट जब हम खोलेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेनी है, अगर पेयर बन जाए तो पेयर बना दो, 16 थ्री जब 48 होता है तो 16 का मतलब 4 × 4 × 3 ऐसे बनेगा, तो आप यहाँ से 4 को कॉमन निकाल दोगे, प्लस माइनस 4√3 आंसर आ जाएगा। यहाँ कहता है मैट्रिक्स ए, ये दे रखी है आपको मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए, ए स्क्वायर पी ए के बराबर दे रखा है, तो ए स्क्वायर आ गया आपके पास 2 − 2 − 2 × 2 इक्वल्स टू पी ए, तो ए को पी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा 2p − 2p − 2p × 2p, यहाँ से आ गया 4 + 4 = 8, इधर से आएगा आपके पास −4 − 4 − 8, इधर से आ गया −4 − 4 − 8, इधर से आ जाएगा +8 इक्वल्स टू 2p − 2p − 2p × 2p। तो यहीं से कहीं से भी एलिमेंट ले लो सेम ही रहेगा आपका 8 = 2p, तो p की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से भी निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, कहीं से भी निकालोगे, आपके पास p की वैल्यू 4 आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 13, a आपको दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने का मतलब है, सॉरी एफ ए फाइंड करना है, एफ ए फाइंड करने का मतलब है कि यहाँ पर x को a से रिप्लेस करना है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i, 7 यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है तो उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई ज़रूर करना है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ए स्क्वायर निकाल लो आप पहले, 2 − 3 − 1 − 1 − 0 − 2 − 1 − 1 इनटू में 2 − 3 − 1 − 1 − 0 − 2 − 1 − 1, ये वैल्यू किसकी आ रही है हमारे पास, ए स्क्वायर की, कितनी आई निकाल लेते हैं, यहाँ से देखो 4 − 3 = 1 हो गया, 1 + 1 = 2, आगे करेंगे 2 × 3 = 6 = 0 = 1 यानी 7 हो गया, 2 + 6 = 8 − 1 = 7, आगे इसको करते हैं −2 = 0 + 2, तो ये तो 0 बन गया, −3 = 0 + 2 यानी −1, इधर से करेंगे −1 = −2 − 3, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 − 1 = 1 हो गया, 1 − 1 = 0, 3 − 0 − 1 = 2,
वन और प्लस में टू, थ्री हो गया, थ्री प्लस वन फोर। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की आपको भी आदत डालनी है, फटाफट मल्टीप्लाई कर सको। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आगे ए स्क्वायर तो हमारे पास ये आ गया, ठीक। अब हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 277, 0 माइनस वन माइनस थ्री, 0 टू फोर। फाइव को ए से मल्टीप्लाई करो, फाइव टू जब टेन, फाइव थ्री जब फिफ्टीन, फाइव वन जब फाइव, माइनस फाइव जीरो, फाइव टू जब टेन, फाइव फाइव माइनस फाइव। फिर आगे चाहिए हमें सेवन आई, सेवन जीरो 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 सेवन जीरो 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 सेवन। ज़्यादा क्वेश्चन हो गया। टू प्लस सेवन नाइन, नाइन माइनस टेन माइनस वन, सेवन माइनस फिफ्टीन माइनस एट, सेवन माइनस फाइव टू, ज़ीरो प्लस फाइव माइनस वन जीरो और प्लस सेवन, माइनस थ्री माइनस टेन, ज़ीरो माइनस फाइव टू माइनस फाइव, फोर प्लस फाइव नाइन, प्लस सेवन सिक्सटीन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वन माइनस एट टू, फाइव सिक्स माइनस थर्टीन माइनस फाइव माइनस थ्री एंड सिक्सटीन। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे चलते हैं। फोर्टीन में कहता है कि ए आपको ये दिया हुआ है, शो दैट ए इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। रूट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस ए को यहाँ पर डालते हैं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाकर, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस सेवन, और आई लगा देंगे साथ में। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इससे आंसर अगर आपका जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये इसका रूट है। तो हम यहाँ पर डाल के देखते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, फिर हम यहाँ पुट करते हैं। ए स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा टू थ्री माइनस वन टू, टू थ्री माइनस वन टू। तो मल्टीप्लाई करा हमारे पास फोर माइनस थ्री वन, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, माइनस थ्री प्लस फोर, तो ये आ गया वन। तो ए स्क्वायर की जगह ये पुट करते हैं तो ये आ गया आपके पास वन ट्वेल्व माइनस फोर वन माइनस फोर ए। इसको फोर से मल्टीप्लाई करो, प्लस सेवन आई। अब देखो आंसर हमारा नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। वन प्लस सेवन एट माइनस एट, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, माइनस फोर प्लस फोर, वन प्लस सेवन एट और माइनस एट, तो ये जीरो आ गया। तो इसमें हम लिख देंगे यस, ए इज़ द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब जो ये काम हमने यहाँ पर करा है, सेम काम इस क्वेश्चन में हमें करना है। यहाँ पर हमें बी स्क्वायर ये वाले बताना है कि बी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व बी माइनस आई, ये इसका रूट है। तो बी आपको ये दिया हुआ है, बी स्क्वायर निकालना है। बी स्क्वायर आ गया माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व एंड माइनस सेवन, चारों एलिमेंट माइनस में है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन तो गलत नहीं है ना, ठीक है। माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस सेवन, इसको मल्टीप्लाई करो। ये 25 प्लस में 36, तो 25 प्लस में 36। अगर आपके पास कुछ थोड़े से नंबर बड़े आ रहे हैं तो बेशक आप ऐसे एक स्टेप लिख लो, अगर डायरेक्टली वर्बली जितना कर सकते हो उतना कर दो, ठीक है। यहाँ 15 प्लस 21, इधर आ गया हमारे पास 60 प्लस में 84, इधर आ गया 36 प्लस 49, ये आ गया आपके पास 61, यहाँ से आ गया 36, इधर से आ गया 144, इधर से आया 5 4 3 7 8 85। अब ये सारी वैल्यू आप वहाँ पर डालेंगे, बी स्क्वायर प्लस 12b एंड माइनस आई। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 61, 36, 144 एंड 85।
प्लस में 12b, तो b को 12 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 60, और इधर आ जाएगा 12 माइनस 3 माइनस 36, 144 माइनस 84 माइनस i, 1001। अब देखो नल मैट्रिक्स आता है या नहीं आता, 61 प्लस और माइनस 1 ये हो गया, माइनस 60 हो गया, माइनस 61 प्लस 61 जीरो, 36 माइनस 36, 144 माइनस 144, 85 और माइनस 85। तो इसमें भी हम लिख देंगे यस, बी इज़ द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ए आपको ये दिया हुआ है और ए रेज टू पावर 20 फाइंड करना, भाई बड़ा मुश्किल काम आ गया ये तो। ए की पावर 20, यानी ए को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या, पागल हमें बना रहे हैं, ए की पावर 20 टाइम्स थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या तरीका हो सकता है हमारा करने का। तो हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, ए की पावर 2 निकाल लेते हैं, ए की पावर 2 तो हम निकाल ही सकते हैं इजिली, तो ये आ गया 0020, 0020, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से देखो 0 0, यहाँ से 0 0, यहाँ से 0 0, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ से भी आ गया 0, तो ये तो नल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, ये नल मैट्रिक्स आ गई, स्क्वायर करने पर नल मैट्रिक्स आ गई। अब हमें पावर चाहिए ए की पावर 20, तो ए की पावर 20 निकालने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 2 फिर इसकी पावर 10। अब ए की पावर 2 जो है वो आई है हमारे पास नल मैट्रिक्स, अब ए की पावर 2 नल मैट्रिक्स आई है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर ए की पावर 2 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी नल मैट्रिक्स की पावर 10, अब नल मैट्रिक्स को तो आप कितनी बार भी कर लो, नल मैट्रिक्स ही रहेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास नल मैट्रिक्स ए की पावर 20 का। अब ए की पावर 35 उसको भी निकालते हैं, तो ए की पावर 35 को आप ऐसे लिख लो, ए की पावर 2 उसकी पावर 17 इंटू में ए, तो 17 टू ज़ा 34 हो गया, 34 प्लस में 1 यानी 35 आ गया, तो ए की पावर 2 मतलब नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स की पावर कितनी भी करेंगे वो तो नल ही रहेगा, और नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी हमेशा नल मैट्रिक्स ही आएगा, तो ये भी नल मैट्रिक्स आ जाएगा और ये भी नल मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी लगाकर आप डायरेक्टली कर सकते हो। ए आपको दिया हुआ है आई 00, आई ए, आई मतलब आयोटा है, ठीक है, आई का मतलब क्या है यहाँ पर, आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ होता है वैसे तो, और इसकी में आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है माइनस 1 के बराबर होती है। तो ये कह रहा है भाई ए की पावर 19 फाइंड करो, तो सेम हम वही काम करते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर फाइंड करते हैं पहले, तो आयोटा 00 आयोटा, आयोटा 00 आयोटा, तो यहाँ पर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर 0, इधर से 00, इधर से देखो 00, इधर से आ गया 0 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे मैंने बताई आपको माइनस 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 0 0 माइनस 1, माइनस अगर हम बाहर निकाल दें तो ये क्या बनेगा, 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा विद नेगेटिव साइन, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस आई। अब हमें फाइंड करना है ए की पावर 19, तो ए की पावर 19 के लिए क्या करेंगे हम, ए की पावर 2 और उसकी पावर कर देंगे 9 इंटू में ए, अगर डायरेक्टली 19 नहीं होती तो जितना क्लोज जाएंगे, यानी 2 की पावर 9 करोगे तो 18 आ गया, 18 इंटू में ए करेंगे तो ए की पावर 19 हो गया, तो ए की पावर 2 कितना है हमारे पास, माइनस आई, इसकी पावर है 9 और इंटू में ए। अब माइनस आई की पावर आप 9 करोगे तो इसमें से माइनस जो इसकी वैल्यू है ना वो माइनस में ही आएगी, आई को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई आ जाता है, और माइनस आई को आप माइनस आई से मल्टीप्लाई कर रहे हो लेकिन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स दे रखा है इसलिए माइनस में रहेगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आई इनटू में ए। अब ए की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम ए की वैल्यू को इस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, माइनस, तो हमारे पास ये आ गया। आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटी को किसी भी नंबर से किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ये बन जाएगा माइनस ए, और माइनस ए का मतलब है
माइनस आयोटा, जीरो जीरो माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें ए रेज टू पावर एन फाइंड करना है, तो ए रेज टू पावर एन फाइंड करने के लिए भी पहले आप ए की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, ये आ रहा है, इसमें से हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ए को, स्मॉल ए को, तो ये क्या बन गया, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, और ये क्या बन गया हमारे पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब ए रेज टू पावर एन चाहिए, तो इसका मतलब इसकी पावर रेज टू एन कर देंगे हम, ए रेज टू पावर एन का मतलब ए आई की पावर एन कर देंगे, तो ये वाला ए तो स्केलर है, ये तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, आई की पावर एन करेंगे, आई मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो ये बदलने वाली नहीं है, ये आई ही रहेगी, तो ए की पावर एन इंटू में आई। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा ए की पावर एन जीरो जीरो जीरो, ए की पावर एन जीरो जीरो जीरो, ए की पावर एन, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इन एग्जांपल्स के साथ ही मेरे ख्याल आपको अब मैट्रिक्स के लगभग सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से आ चुके होंगे। इनकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करके मुझे बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।